गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। हम इस क्लास में देखेंगे कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम कैसे निकालते हैं। मेरे सारे कोर्स आपको किंग केमिस्ट्री के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही जेन्यून रेट पर मिल सकते हैं। मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, मैं आपको अल्टरनेट डेज पर लाइव पढ़ाऊंगा। मैंने सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए किंग केमिस्ट्री ऐप पर हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसको आप मात्र 300 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। तो हम कर सक शुरू करते हैं चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम्स पर चार्ज निकालना है, तो हमें 11th के रिडॉक्स चैप्टर का थोड़ा सा नॉलेज होने चाहिए, और उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से। तो न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से आप देख सकते हैं, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। पहला लिगेंड CO है, फिर NH3, NH3 के बाद में EN, EN के बाद में PY, और PY के बाद में H2O, और H2O के बाद में अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद में प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन के बाद में बेंजीन। ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बोर्ड पर है, और वो कहता है कि K4Fe-CN6 में K4Fe-CN6 में आयरन का चार्ज कैलकुलेट किया जाए। तो जब हम इसका चार्ज निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका चार्ज लिखेंगे। 4 पोटेशियम है और एक पोटेशियम पर 1 चार्ज होता है। इस आयरन के चार्ज को हमने एक्स मान लिया, 6 साइनाइड है। अब साइनाइड पे चार्ज क्या होगा, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 9th और 8th के बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो जाए वही उसका चार्ज हो जाता है। तो CN का कंपाउंड HCN होता है, तो एक H अटैच है तो -1 हो जाएगा, और मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है। हमने इसको सॉल्व किया, X = 2 आ गया, X = 2 आ गया। हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉपर के कॉम्प्लेक्स पर NH3 6 और +2 चार्ज। अब हमें कॉपर का चार्ज निकालना। मोस्टली कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉपर का चार्ज +2 होता है, ठीक है। तो हमने इसको एक्स मान लिया, अमोनिया 6 है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड्स पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो हमने यहाँ पर 0 चार्ज लगा दिया, मॉलिक्यूल के ऊपर +2 चार्ज है। दोनों को सॉल्व किया, X+2 आ। इसका मीन सेकेंड कॉम्प्लेक्स पर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर K3 कर दिया, पहले पोटेशियम 4 थे तो हमने यहाँ पर 4 को हटाकर 3 लिख दिया, 3 बन जा 3 होता है। एक्स आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, CN की नंबर 6 है, और एक CN पर चार्ज -1 होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो X = 3 आ गया। हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये शायद सिंगल एग्जाम्पल है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आती है, ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल है ये, K COCl4। ये फर्स्ट टाइम 2002 में KCET हरियाणा के एग्जाम में आया था, और अभी अपनी 12th की NCERT में प्रेजेंट। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 लेंगे, क्योंकि पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर X अज्यूम कर ली, इसमें 4 CO है और एक CO पर 0 चार्ज। अगर आपको यहाँ न्यूट्रल लिगेंड याद नहीं होगा
तो आप कोई उल्टा सीधी सी चॉइस इसमें देख लोगे, तो x बराबर माइनस वन आ, ठीक है ना। तो ये अकेला एग्जाम्पल है, हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर ले, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, Fe4 एफिशिएंसी। ये ऑलमोस्ट भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में पूछा हुआ है, और अभी इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नीट और जेई के सिलेबस में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं थी, पर अब ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया। इस कंपाउंड का नाम है प्रशियन ब्लू या प्रूशियन ब्लू। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। अब ध्यान से देखना, इस बात को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी छोटी बात को समझना पड़ेगा। तो हमने एक एग्जांपल सेलेक्ट किया है Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम की नंबर तो 2 होगी और चार्ज 3 होगा, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव में ज्यादा टाइम नहीं मिलता एक क्वेश्चन करने में, जो हम इसको तोड़कर ब्रेक करके देखेंगे। तो एल्यूमिनियम की नंबर 2 होगी और चार्ज 3 होगा, सल्फेट की नंबर 3 होगी और चार्ज 2 होगा। हमने यहाँ से इनसाइट ये देखी कि जब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो ये नंबर तो 4 होगी और इस आयरन पे चार्ज +3। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बचा है इसकी नंबर 3 होगी और इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज -4 हो, क्योंकि ये नंबर 4 है। क्लियर। इन नंबर्स का कभी भी, जो फ्रंट की नंबर होती है उनका हम कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज नहीं करते, तो मैंने ये नंबर हटा दी। अब इस आयरन का तो निकल लिया है, इस आयरन में -4 चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने K4Fe6 पर चार्ज निकाला, आज का फर्स्ट एग्जाम्पल। यह आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, 6 साइनाइड है, -1 -4, तो x=+। नहीं तो स्टूडेंट इसका नाम याद रखो, इसका नाम है फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी या फेरी तब आता है जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और फेरो तब आता है जब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो फेरी फेरोसाइनाइड, तो फेरी का मतलब +3 और ये +2। इसी का एक और एग्जाम्पल है जिसको हम टर्न बुल ब्लू कहते हैं। टर्न बुल ब्लू में ये 3 हो जाती है और ये 4 हो जाती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाती है और अंदर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाती, जिसको हम टर्न बुल ब्लू कहते हैं, जो किसी हायर एग्जाम में आ सकता है। हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास निकल कार्बोनिल। या तो हमें ये लाइन याद होनी चाहिए कि सारे मेटल कार्बोनिल पर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती। अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा था के कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, उसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, हमें मेटल कार्बोनिल के लिए याद होनी चाहिए कि सारे मेटल कार्बोनिल ईएन नियम रूल को फॉलो करते हैं, तो कभी अगर निकिल की ईएन नंबर आ जाए तो निकालते नहीं है। निकिल नेक्स्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा, या निकल के पास में नेक्स्ट इनर्ट गैस आर्गन क्रिप्टॉन होगी, और क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्स के ऑक्सीडेशन नंबर, निकल की एक्स मान ली, 4CO है, एक CO पर चार्ज 0 है और ओवरऑल मॉलिक्यूल पर भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मीन्स हुआ कि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 हो गया। यहीं पे हम एक और नीचे गिवन एग्जाम्पल में से एक और एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं, आयरन पेंटा कार्बोनिल। आयरन पेंटा कार्बोनिल में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? आपके सामने अनसॉल्व प्रॉब्लम है, आप फटाफट उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके
ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। मैं इसमें से डिस्कस करने वाला हूं सी और डी। तो जो गिवन क्वेश्चन सेट है उसकी सी प्रॉब्लम यह है कि क्रोमियम है, 4 3 Cl3 है और 3 अमोनिया है। हमें इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमने एक्स अज्यूम कर ली, 3 Cl है, 1 Cl पर -1, 3 अमोनिया है। हमें ये बात याद रखनी है कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से, अगर आप न्यूट्रल लिगेंड नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो आप डेफिनेट इसकी नंबर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर एग्जाम में तो नहीं निकाल पाओ। तो एक्स इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कोबाल्ट Br2 और En ट्वाइस और ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +4। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हमने एक्स अज्यूम कर ली, 2 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन पर -1 चार्ज होता है क्योंकि हेलोजन फैमिली का मेंबर है। और अगर आपको नहीं आता तो HBr कभी सुना होगा, इसका मीन्स है कि Br से एक हाइड्रोजन अटैच है तो Br पर चार्ज -1 हो जाएगा। En यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, फिर आपको अगर न्यूट्रल लिगेंड नहीं आया तो आप फिर से डूब जाएंगे, ओके okay? और मॉलिक्यूल पर +1 चार्ज, इन सबको हमने ऐड किया तो हमें +3 आ गया। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर यह बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रल लिगेंड कौन से हैं। मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की 0 होती है। एक ही एग्जाम्पल मैंने देखा है, हो सकता है और भी हो, जिसमें मेटल की कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात को पढ़ेंगे जो मैंने कल की क्लास में भी बताया था। जो Ag है इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर आपको सिल्वर के किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ही नहीं आता और हमें क्वेश्चन का आंसर टिक करना है तो हम +1 के साथ जाएंगे। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल, फोटोग्राफी में जब Ag हायोसल्फेट से रिएक्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें Ag की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ठीक है। तो उसमें Ag की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 2। प्लेटेनियम, प्लेटेनियम +2 अगर हुआ तो चार्ज तो देखो +2 हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक और भी तरीका है कि अगर लिगेंड की नंबर 6 से कम है, 6 से कम है या 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी मोस्टली, और अगर 6 से ज्यादा है तो डेफिनेटली 6 हो। प्लेटेनियम +4, प्लेटेनियम +4 पे चार्ज तो हमको पता लग ही गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। इस कंसेप्ट का यूज हम थोड़ी देर बाद बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में करेंगे, ओके। आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, इनकी कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इनके मोस्टली कंपाउंड में इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको मिलेगी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं आता और आंसर करना ही है तो हम 6 के साथ जाएंगे जो आपको डेफिनेट गुड रिजल्ट दे सकता है। कॉपर, निकल, कॉपर, निकल और जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली 2 होती और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं देगा तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स में 6 होगी। अगर आप इस रूल को भी याद रखोगे और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी डेफिनेट आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब हम चलेंगे कंसेप्ट की तरह और कंसेप्ट की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, पर उससे पहले हम देखेंगे होमोलिप्टिक और हिप्ट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं
तब हम उस कॉम्प्लेक्स को होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल NiCO4 या FeCO5 या कोई और भी, सारे लिगेंड अगर एक ही टाइप के हुए तो हम उसको बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर उसके अंदर लिगेंड कई सारे टाइप के हैं, जैसे 5 और NO2, क्योंकि लिगेंड के दो टाइप है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो हमने यहां पर समझा है कि होमोलिप्टिक और हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर किसी में सारे लिगेंड एक जैसे हुए तो होमोलिप्टिक, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड हुए, एक से ज्यादा टाइप के हुए, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, सारे ही अलग हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे क्या? हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हम चलते हैं और देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के दो मतलब हमें जानते हैं। एक बुक में लिखा हुआ है, NCERT कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स अटैच हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। पर यह डेफिनेशन एग्जाम में काम नहीं करती और बहुत ही जल्दी फेल हो जाती है, बहुत ही प्राइमरी लेवल पर काम करती। तो हम इस डेफिनेशन का यूज नहीं करेंगे और हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे जो ज्यादा ऑथेंटिक और बेटर रिजल्ट देती है, कि किसी मेटल ने कितने लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सेप्ट किए। किसी मेटल ने जितने लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्सेप्ट किए हैं, हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में कभी भी नंबर ऑफ लिगेंड से मत देखना, पर कितने लॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं इसके लिए हमें बाइडेंटेड लिगेंड तो कम से कम याद होने ही चाहिए, कि बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो दो लॉन पेयर डोनेट करते हैं। AN दो करेगा, ऑक्सलेट दो करेगा, DMG 2 करेगा, ग्लाइसिनेटो 2 करेगा। अगर हमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं पता है तो डेफिनेट हम एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर दें। तो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल है K3 कोबाल्ट NO2 6। देखो प्रॉब्लम हार्ड नहीं आती, उसे अगर प्रॉब्लम हार्ड करनी है तो कई सारे मेथड है प्रॉब्लम हार्ड करने के। सिंपल बोल देगा फिशर सॉल्ट में मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये फिशर सॉल्ट का फॉर्मूला। कोबाल्ट से 6 लिगेंड अटैच और NO2 एक मोनोडेंटेड या एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इसका मींस हुआ कोबाल्ट ने कुल मिलाकर 6 लॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। नहीं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और आपको साइड में भी दिख रहा है कि कोबाल्ट की कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप एक नंबर के ढक्कन है, ढक्कन का मतलब आप गवार नहीं, स्मार्ट बच्चे। तो आप कोबाल्ट की क्वेश्चन में अगर कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं तो 6 ही हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे K3 के साथ में हमने जोड़ रखा है कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में C2O4 3। यहां पर 3 लिगेंड है, तो अगर हम नंबर ऑफ लिगेंड के डेफिनेशंस को फॉलो करेंगे तो हम 3 ही करेंगे, पर क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए ऑक्सलेट C2O4 नहीं लिखेगा और OX लिख सकता है। OX से कुछ लोगों को इसकी कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर चार्ज या डेंटिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है MgEDTA। EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है,
EDTA की नंबर यहां पर एक है, लेकिन ये हेक्साडेंटेड है तो सिक्स हो जाए, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा NiCl4 -2, निकल के साथ में 4 साइनाइड, ठीक है। साइनाइड एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो 4 पर है मोनोडेंट, तो एम्बिडेंटेड इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, देख सकते हैं AgNH3 ट्वाइस, और यही टॉलेंस रिजेंट का फॉर्मूला भी। अगर आपको पूछे टॉलेंस रिजेंट में सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, और चार्ज ये +1 होगा, चार्ज +1 हो, ठीक है। हमारे पास एक सामने और एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हो, FeCO5 में CO की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो CO से 5 लिगेंड अटैच है और CO एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल 5 लोन पेयर इसने डोनेट किए हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। आपके लिए क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, इस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में सीरियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। सीरियम नाइट्रेट हम, ठीक है ना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट या सेरिक जो नाइट्रेट है ये कॉमन रिजेंट है और प्राइमरी अल्कोहल के डिटेक्शन में काम आता है, क्योंकि आपके यहाँ केमिस्ट्री लैब पर लैब वाले मैनुअल ऐड कर दिया है तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर NO3 में ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि ये मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है 6 × 2, तो सीरियम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ये क्वेश्चन नेट में 2012 में, फर्स्ट ग्रेड PGT में 16 में, IIT में आ चुका है, नीट में अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो नीट वालों के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां मैं आशा करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया हो। अब हम देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर NCERT में गिवन नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मींस है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी इनर्ट गैस के इक्वल है तो हम कहेंगे ये मेटल AN रूल को फॉलो करता है, और अगर इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ये नहीं करता। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है K4CN6, हमने आयरन का एटॉमिक नंबर लिखा 26। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता, देखो पढ़ाई हार्ड नहीं है, बच्चे क्या सोचते हैं मैं एक टॉपिक की प्रॉब्लम्स की हार्ड प्रॉब्लम कर लूँ, नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है आप 5 इजी टॉपिक्स को पढ़ो और समझो, और फिर उस किसी प्रॉब्लम्स में सारे टॉपिक एक साथ लग जाएंगे, यही उसका डिफिकल्टी लेवल है। अगर आपको आयरन का एटॉमिक नंबर नहीं आता तो आप AN निकाल नहीं सकते। फिर हम इसकी चार्ज निकालेंगे, आज ही हमने पहला मॉलिक्यूल आयरन यही था जिसपे +2 चार्ज निकाला। तो अगर आपको रिडॉक्स चैप्टर नहीं आता तो आप इस कोऑर्डिनेशन पर चार्ज नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं आती तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल सकते। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में मतलब होता है कितने लोन पेयर देगा, तो 6 है,
दो एक दो देता है तो 6 × 2 36 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। इसका मींस हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स एन रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा K3, K3 कोबाल्ट NO2 6। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है ना, 27 है और इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 1। यहां पर बच्चा फिर अभी अभी वो NO2 था नाइट्रेट और ये नाइट्राइट है तो 36। यहां पर एक बात और याद रखें, 27 में से 3 माइनस किया तो 24 आया। अगर यहीं पे इवन नंबर आ जाए तो आगे बढ़ेंगे और अगर यहीं पे ऑड नंबर आ जाए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये हमेशा इवन ही आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल और इसमें निकिल की एन नंबर कैलकुलेट करेंगे। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये एक लॉन पेयर देगा तो 26 और 8 36 हो जाए। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, कोबाल्ट कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, हमने इसमें से इसके चार्ज को माइनस कर दिया प्लस इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 × 2 है। 29 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा और 27 एक ऑड नंबर हुआ होता है। इसका मतलब आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ये ईएन रूल का फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑड ही आने वाला है। और मेटल कार्बोनिल, सारे ही मेटल कार्बोनिल ईएन रूल को फॉलो करते हैं। अगर आप ये लाइन याद रखोगे तो आपको मेटल कार्बोनिल में लॉन पेयर सॉरी ईएन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जब मैंने ईएन निकाला तो तीन तीन टॉपिक एक साथ यूज हुए, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक भी टॉपिक अगर आपको इनमें से नहीं आता तो आप फिर ईएन निकाल नहीं सकते, रट के काम चला सकते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है, आप एक टॉपिक के डेप्थ में मत जाओ, पहले सिंपल सिंपल तीन चार टॉपिक्स को कवर करो। और कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल चैप्टर ही ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है और फिर अप्लाइड करना है। अगर आप समझेंगे नहीं तो अप्लाइड नहीं कर सकते या रटने से काम नहीं चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है परफेक्ट सॉल्ट। परफेक्ट सॉल्ट वो होता है जिसको अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दें और डिजोल्व करने के बाद उसका आयोनाइजेशन नहीं हो तो ऐसे सॉल्ट को हम परफेक्ट सॉल्ट कहते हैं। तो NiCO4 परफेक्ट सॉल्ट में आएगा क्योंकि वाटर में इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना, या जिसके लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाए नहीं हो वो परफेक्ट सॉल्ट। जब हमने नेक्स्ट रिएक्शन देखी, नेक्स्ट रिएक्शन में जब हमने AlNH3 6 की रिएक्शन वाटर से कराई तो वाटर के मॉलिक्यूल ने अमोनिया के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया तो देखो लिगेंड एक्सचेंज हो गए हैं। तो अगर किसी के ब्रैकेट के ब्रैकेट वाले लिगेंड एक्सचेंज हो जाए तो ऐसे सॉल्ट को हम इम्परफेक्ट सॉल्ट बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, उसका नाम है IUPAC। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो संडे को होगी उसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं आपको सभी चैप्टर पढ़ा सकूं। थैंक यू।